भारत की एक ऐसी सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, जिसका समय आज से लगभग 7000 वर्ष पुराना था। ऐसी सभ्यता जिसने भारत की प्राचीनता को और भी ज्यादा गहराई प्रदान करी। एक ऐसी सभ्यता जो अपने सारे समकालीन सभ्यताओं में से सबसे ज्यादा डेवलप थी। ऐसी सभ्यता जो एक पूर्णतः नगरी सभ्यता थी और कई मामलों में आज के नगरों से भी ज्यादा वो डेवलप थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो महान सभ्यता थी वो कैसे प्रकाश में आई, है ना, और उससे कुछ सवाल जो आपके लिए बन सकते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में, आपके मेंस की परीक्षा में और आपके इंटरव्यू तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली बात, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, इसका टाइम पीरियड लगभग 2300 से 1750 ईसा वर्ष पूर्व के बीच का माना जाता है। ठीक है, हालांकि इसके प्राचीनता के बोलना चाहिए उसके पीछे कोई प्रामाणिकता बहुत ज्यादा नहीं है, हर जगह पे आपको अलग अलग सोर्स मिलेगा, लेकिन C14 या NCERT के हिसाब से आप ये डेट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये सभ्यता जो थी वो सबसे पीक पॉइंट पर थी अपने। ठीक, दूसरी बात, ये आप उसका मैप देख सकते हैं किस क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, हालांकि हम इसके विस्तार की जो जानकारी है, जो चर्चा है, वो आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट पर करेंगे। ठीक है, तो इस पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। हमें आज देखना है कि यह सभ्यता कैसे प्रकाश में आई, कैसे इतिहास का हिस्सा बना। ठीक है, तो मैं आपको एक बता दूं एक बात कि एक तो 1921 में इसके बारे में एक्चुअल में मालूम चला, लेकिन 1921 में ऐसा नहीं था कि अचानक से खुल गया या जमीन के नीचे से बाहर आ गया। इसके पहले और भी कई प्रयास हो चुके थे इसके पीछे के कारण को जानने के लिए, लेकिन हमें वो प्रकाश में जल्दी नहीं आ पा रहे थे। तो ऐसा कौन सा फैक्टर था? तो पहली चीज याद रखिए कि 1784 में, 1784 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स कौन थे? वो भारत का और एशिया का इतिहास संजोने के लिए उस दिशा पर काम कर रहे थे, है ना, और इसी पर काम करते करते उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मेन काम क्या था कि वो जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना, और जितने भी गैर धार्मिक ग्रंथ हैं उनको वो कंपाइल करे या उनसे स्टडी करे और उनके आधार पर भारत और एशिया का इतिहास वो एक प्रकार से श्रृंखलाबद्ध कर सके। लेकिन इनका कोई भी काम, है ना, पुरातत्व के क्षेत्र पर नहीं था, तो इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, है ना, और कब इसका स्थापना किया गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा चीज याद रखिए चार्ल्स मेसन के बारे में। चार्ल्स मेसन कौन थे? तो चार्ल्स मेसन एक कंपनी के, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एक अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, और शौकिया तौर पर वो एक पुरातत्ववेत्ता काम करते थे या फिर एक्सप्लोरर का काम करते थे, एक्सप्लोरर थे, और इसी दिशा में उन्होंने काम करते करते शौकिया तौर पर पंजाब में साहिवाल नामक स्थान पर उनको कुछ ईंटें और कुछ चीजें प्राप्त हुई, है ना, और वो ऐसे जगह पे प्राप्त हुई जहां आसपास कोई भी चीज नहीं थी। अब उनको ये बात खटकी तो कि यहाँ पे आसपास कुछ है नहीं, तो ये पकी हुई ईंटें और ये टीलानुमा आकृति ये कैसे यहाँ पे आ सकती है? तो उन्होंने इस चीज की जानकारी दी ब्रिटिश कंपनी को, लेकिन वहां पे इसके संबंध में कोई ऐसा काम नहीं किया गया या उनके बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस समय हमारे पास ऐसी कोई संस्था भी नहीं थी कि इस पुरातत्व के क्षेत्र पर या फिर जमीन के नीचे गड़े हुए चीजों को सर्वेक्षण करने के लिए उस पर काम किया जा सके। ठीक, अब बात आती है, अच्छा, चार्ल्स मेसन के बारे में ध्यान रखिए, 1836 में, 1836 में इन्होंने इस चीज की पहली बार जानकारी प्रदान करी, लेकिन ये मामला यहीं पे दफन हो गया। ठीक, इसके बाद 1861 में, 1861 में कनिंघम, आप इनके नाम से परिचित होंगे,
है ना, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। तो इनके निर्देशन में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और तब से हमारे देश में आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में कुछ काम करना स्टार्ट हुए। लेकिन इनको भी ऐसी कोई ऐसा मतलब इनको जानकारी थी कि वहां पे ऐसा कुछ प्रमाण मिला है, लेकिन इन्होंने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे एक बार क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में देरी कर दिया, वो समझ नहीं पाया। तो ध्यान रखिएगा कौन था, वो कनिंघम ही थे, ठीक है। इसके बाद 1900 में जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और जब उनके अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्हीं के निर्देशन में, है ना, उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने क्या किया था, उस हड़प्पा वाले क्षेत्र में जहां पे आज वो सभ्यता मिली है वहां पे खुदाई स्टार्ट करी, ठीक है। और धीरे धीरे परत दर परत वो पूरी सभ्यता धीरे धीरे बाहर आ गई, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस आप ध्यान रखिए कि कैसे कब कब किन्होंने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया है, ठीक है। तो दयाराम साहनी वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इस सभ्यता को एक्चुअल में साइट पर जाकर के ढूंढ निकाला, ठीक है। दूसरा चीज, किसके निर्देशन में एक काम हुआ था, तो उस समय इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे, तत्कालिक अध्यक्ष जॉन मार्शल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ढूंढा किसने था, तो हमेशा याद रखना किसका नाम आएगा, दयाराम साहनी जी का। लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो वो जॉन मार्शल थे, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो ASI है, है ना, ASI किस विभाग या भारत के किस विभाग के अधीन वो संस्था बनाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा वो संस्था बनाई गई थी संस्कृति विभाग, कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो संस्था आती है, किसके, कल्चरल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो ASI है, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, ASI, है ना, जो है कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत या सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत की वो संस्था है, ठीक है। तो पहली चीज याद रखना, 1784 कौन था, है ना, विलियम जोन्स, जिन्होंने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। दूसरा 1836 में चार्ल्स मेसन, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र में कुछ होने का प्रमाण दिया था, हालांकि उनके बातों को ध्यान नहीं दिया गया, है ना। उसके बाद 1861 में कनिंघम जी थे जिन्होंने क्या किया था, इसको निग्लेक्ट कर दिया था, है ना, और उसके अध्यक्षता में ASI की स्थापना करी गई थी। और इसके बाद फिर 1900 में किसे बनाया गया था, जॉन मार्शल को। और इस जॉन मार्शल के बारे में याद रखिए, 1900 से लेकर के 1947 तक ये ASI के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे, और इन्हीं के अध्यक्षता में या इन्हीं के निर्देशन में जितने भी बड़े स्थल हैं वो सारे खोजे गए। 1922 में फिर, है ना, मोहनजोदारो भी अपने अस्तित्व में आया। तो ये सारी चीजें, यह दयाराम साहनी जी हैं, ठीक। तो इन सब का नाम आप याद रखिए, कब कब क्या हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से संबंधित, ठीक है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति चार्ल्स मेंसन थे, है ना, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स, ये विलियम जोशी नहीं है, विलियम जोन्स है, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। और लास्ट स्टेटमेंट है, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खुदाई हुई 1922 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है, जिस आप आज के वीडियो के आधार पर, ठीक है। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ध्यान रखिएगा ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है। कांस्ययुगीन का मतलब है चालकोलिथिक एज से जुड़ा हुआ, चालकोलिथिक एज का अंतिम पार्ट हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तो मैंने आंसर बता दिया, जो कि इस टॉपिक में नहीं मैंने पढ़ाया था, और बाकी क्वेश्चन जो पिछला था उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर पिन कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन था, आज का जो वीडियो था, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपने ध्यान से इसको सुना होगा, ठीक है। इसके आगे की जो जानकारी है, है ना, वो हम पार्ट में आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।